देख रहे हैं मेरे वॉशरूम से। मैं अभी जस्ट शावर लेकर के आई हूँ और थोड़ा बहुत तैयार हो रही थी, और मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक छोटा सा सीक्रेट। आपने कई बार मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं यहाँ पे, मेरे एक तिल आ जाता है अचानक से, जादू से कहीं पे यहाँ पे तिल आता है और फिर किसी वाले वीडियो में ये गायब हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई तिल है ही नहीं, और मुझे ये तिल का बहुत शौक है क्योंकि ये तिल इनके है यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में, इनको यहाँ पे तिल है और मुझे पता नहीं क्यों दिखने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है यहाँ पे तिल होता है पर मुझे है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं तिल बना लिया करती हूँ। तो कई बार अगर मुझे ऐसा लगता है कि किसी ड्रेस में गला अच्छे से दिख रहा है, या मोस्टली ऐसा सलवार सूट वगैरह पहना हो ना या साड़ी, तो मैं यहाँ पे कैसे तिल बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। कहीं पे भी हो सकता है वो, क्योंकि हमारे हाथ में है, हम कहीं भी बना सकते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आई थिंक सो ये पोजीशन थोड़ा ठीक लग रहा है। 1 मिनट, और साइज भी इसको मैं बड़ा कर सकती हूँ। मुझे लग रहा है मैं कैमरा में देख के ना मैंने टेढ़ा बना लिया है। कोई नहीं, चलता है, घर की खेती है। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक तिल बना लेती हूँ, और शुरू से मुझे आदत है, जब से मैंने इनका देखा है कि यहाँ पे तिल है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और पहले तो मैं कभी कभी क्या करती थी, अगर मैंने कुछ साड़ी वगैरह पहना तो कई बार यहाँ पे तीन बनाती थी तिल ऐसे ही कई बार। इनफैक्ट ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि मैं कभी गई हूँ अपने भैया के घर, गई हूँ या कहीं गई हूँ तो कोई पूछेगा मुझसे कि यहाँ पे तुम्हारा तिल है क्या, तो मैंने कहा नहीं नहीं है नहीं, कभी कभी आ जाता है जादू। तो बस ये तिल बना करके इस ड्रेस पे मुझे लग रहा है अच्छा लग रहा है। और मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या पहना है। ये हॉट पैंट्स है, वो भी जीन्स वाला, जो कि घर के लिए है नहीं, फिर भी मैंने आज ये पहन लिया है, और ऊपर ये टॉप, तो अच्छा लग रहा है। वैसे आज मौसम भी अगेन क्लाउडी है, कोई भी धूप नहीं है, तो आज मैंने कपड़े नहीं धोए। कल मुश्किल से कल वाले सारे कपड़े धोए, सूख गए थे रात होते होते, तो मैंने कहा आज नहीं धोते हैं क्योंकि पक्का आज बारिश तो होनी ही होनी है। तो मैंने अब ऐसा भी कर दिया, जब भी मुझे लगता है ना सुबह की बारिश होनी है, उस दिन मैं नहीं धोती हूँ। तो हफ्ते में ऐसा कर दिया है कि 3 बारी या 2 बारी कभी कभी मशीन चला दिया, इकट्ठे कर लेती हूँ। क्या करेंगे फिर, सूखता नहीं है, फिर बार बार आप उसको बाहर डालो फिर अंदर लाओ फिर सूखेगा नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि स्मेल कर जाता है वो, फिर घर में आप रखिए कहीं पर, तो वो बहुत हो रहा है अभी। आज तो वो काम भी नहीं है, तो बस मुझे लंच बनाना है और मैं टाइम पास कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अगर जल्दी लंच बना दूंगी तो भी कोई फायदा नहीं है आज। ये मुझे कल ही बता चुके हैं कि पूरा दिन इनका मीटिंग है, मतलब बीच में इनको सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट का ब्रेक है। सुबह 8:30 बजे से मीटिंग शुरू हुआ, 8:30 से 9:30, फिर 9:30 से 11, फिर 11:15 तक का ब्रेक था, फिर 11:15 से इनका मीटिंग अभी चल रहा है। अभी ये कह रहे हैं कि आज शाम 6 बजे तक में मीटिंग 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 ही है, तो मतलब कि उसी बीच में टाइम निकाल के किसी तरीके से ये खाना खाएंगे, तो जल्दी बना के कोई फायदा है नहीं, इसीलिए आराम आराम से कर रही हूँ, वरना फिर मुझे भूख लग जाएगी और मैं इनको जिद करना शुरू करूंगी। और अगर ये घर पे हैं तो मैं इनके बिना फिर खाती नहीं, अच्छा नहीं लगता, साथ में ही खा लेते हैं। लंच में थोड़ा सा मेरी तैयारी पहले ही हो चुकी है, सुबह बनाया था आलू का पराठा, तो आलू ज्यादा करके बना लिया था, तो सोच रही हूँ उसी का, आलू टिक्की वाली सब्जी नहीं आती है, बेसन में आलू को लपेट के पैट फ्राई करके और उसी को करी में डाल देने का, बहुत टेस्टी लगता है, सोच रही हूँ वही बना लूँ। और अभी मैं खाने जा रही हूँ ये केक जो मुझे दिख गया है कि है हमारे पास, पर ये इतना बड़ा, ओ अच्छा, मैं सोच रही हूँ ये हाफ कटेगा पर ये फुल इतना बड़ा सा है, तब तो ये बहुत ज्यादा है, चॉकलेट केक है। कभी कभी इसके ऊपर क्या करिए, बहुत सारा मतलब 4-5 ले लीजिए, थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए चॉकलेट सिरप, और थोड़ा सा घर में अगर काजू है या वॉलनट है वो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लीजिए, उसके बाद खाइए, बहुत अच्छा लगता है। पर मैं इतना नहीं खा पाऊंगी, हाफ इनको देती हूँ, मतलब बीच में ना ऐसा अच्छा लगता है मुझे खाने में। मैं कोशिश करती हूँ कि जैसा केक हो गया या बहुत मीठा है ना वो दिन में खा लूँ, मतलब शाम के बाद अवॉइड करना चाहिए। अभी क्या है कि हम लोग काम करेंगे घूमेंगे फिरेंगे तो इतना चल जाता है, शाम के बाद अगर आप कुछ ऐसा खाते हो ना फिर तो कुछ करना नहीं है, बैठना ही है, तो फिर वो अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए, ऐसा कहते हैं, कितना फॉलो होता है, कभी कभी नहीं भी याद रहता है, कभी कभी लेट ऐसा होता है ना कि खाना खाने के बाद रात को मन करता है कुछ खाने का, खा ही लेते हैं पर कोशिश करती हूँ अवॉइड करने का। बनाया था ये कोकोनट की चटनी। अब हमारे घर में ना कोकोनट अक्सर रहने लगा है, मतलब बिग बास्केट में वो लोग वो देते हैं पीसेस काट करके, तो इजी है चटनी बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग अक्सर बनाते हैं अपना डोसा इडली वगैरह के लिए। तो अभी ये तो है पर हमारे पास बैटर था नहीं, तो मैं सोच रही थी कि बनाऊ ना बनाऊ,
फिर कहा चलो ये खराब ना हो जाए, इसलिए इसको ना आलू के पराठे पे हमने सुबह खाया और इतना टेस्टी लगा ना, और इसको और केचप का ना कॉम्बिनेशन में बहुत टेस्टी लगा था, मतलब थोड़ा सा ये लगाइए थोड़ा सा केचप लगाइए, काफी टेस्टी लग रहा था। तो अभी ये बच गया है और इसकी स्मेल भी इतनी अच्छी आती है ना। ना सारा सुबह का आलू है, इसमें से आराम से 5 से 6 टिक्की बन जाएगी। उतना तो एक्चुअली चाहिए भी नहीं, थोड़ा छोटे साइज में बनाऊंगी। और मेरे पास कोथमली है नहीं, धनिया पत्ता, वरना वो भी इसमें काफी अच्छा लगता। तो चलिए जो है उसी से बना लेते। इतना सा बेशतर काफी रहेगा मुझे लग रहा है, वैसे मेरे पास एक नया पैकेट भी है, मैं सोच रही हूँ इतना से हो जाएगा तो नया क्यों खोलूं। चलिए हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले मैं वो देख रही थी, सुशांत सिंह राजपूत की पापा ने FIR किया है ना, तो उसकी कॉपी पूरा न्यूज में हर जगह पढ़ रहे हैं, लंबी चौड़ी FIR है, बहुत कुछ बताया है उसने उन्होंने, तो वही मैं सुन रही थी। मैं अक्सर अपडेट लेती रहती हूँ इस पर्टिकुलर न्यूज का, क्योंकि बहुत मतलब बहुत ज्यादा कनेक्शन फील होता है हर तरीके से। FIR की कॉपी देख रही थी मैं, पढ़ रही थी मैं, और उनके लॉयर का भी इंटरव्यू है, जो उनके पापा ने हायर किया ना, पटना में उन्होंने FIR किया है, तो उनके जो लॉयर हैं उनका भी इंटरव्यू देख रही थी। कुछ तो ज्यादा रिवील नहीं कर रहे थे क्योंकि अभी कर नहीं सकते, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, पर थोड़ा बहुत जो वो बता रहे थे, वैसे तो कुछ जज भी नहीं करना चाहिए, तो सच्चाई नहीं पता है कि कौन इन्वॉल्व है और क्या हुआ है, वो तो उनको ही पता, पर जो भी है जो भी हुआ हो ना, बस मैं यही चाहूंगी कि सच्चाई जल्दी सामने आ जाए और एकदम क्लियर पता चल जाए, ऐसा ना हो कि कुछ होता है ना कुछ मिस्ट्रीज मिस्ट्रीज ही रह जाती है, वो मैं नहीं चाहती कि इस केस में हो, और हम सबको जानने का हक है, उनके सारे फैंस को जानने का हक है, और पता चलना चाहिए जो भी हुआ है। अब देखिए क्या होता है, सिस्टम हमारी काम कर रही है, पता चल जाएगा आई एम श्योर, पर जो भी है उनके पापा ने बहुत, अभी क्या गुजर रही होगी ना उनपे, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते एक्चुअली। मैं तो काफी देखती रहती हूँ, आप कभी भी खोलिए यूट्यूब इंस्टाग्राम, तो कुछ ना कुछ न्यूज आ रहा होता है, तो ज्यादा तो मैं न्यूज से, मैंने आपको बताया ना मैं थोड़ा दूर रह रही हूँ अभी, बहुत ओवरडोज हो गया है हर एक चीज का, और इस बीच में तो बहुत ज्यादा ही हो गया था, तो मैंने डिसाइड किया था कि नहीं न्यूज को लिमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन से भी आपका दिमाग बहुत पजल हो जाता है, पर फिर भी जो भी 10 मिनट में देखती हूँ उसमें मैं सबसे पहले इधर का अपडेट ही देखती हूँ कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, और फिर कोविड तो है ही, उनके बारे में तो सभी देखते रहते मैं हैं। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, वैसे इसमें मसाले कम डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी आलू में सब कुछ डला हुआ ही है, पर इसमें डालना रहेगा थोड़ा सा नमक, इतना काफी रहेगा, और एकदम थोड़ा सा ना नींबू भी डाल दूंगी। नींबू इसमें भी है पर फिर भी थोड़ा सा खट्टास ना इसमें अच्छा लगता है बेसन में। बस अब डाल देंगे इसमें पानी और एक पेस्ट इसको बना लेंगे, यही वाला यूज करते हैं चम्मच, कितना बर्तन गंदा करेंगे। बन जाएगा ना, तो आगे तो नॉर्मल सी प्याज और टमाटर वाली ग्रेवी आप इसमें बना सकते हैं, या आपको बहुत अच्छे से बनाने का मन है तो आप काजू वगैरह डाल के बनाइए, तो काजू का पेस्ट और बहुत टेस्टी लगता है इसके साथ में, जैसे कोफ्ता बनाते हैं वैसा भी कर सकते हैं। मैं सिंपल आलू टमाटर डाल करके, सॉरी प्याज टमाटर डाल के बनाऊंगी, और दाल के साथ में राइस के साथ में अच्छा लगेगा। वही कम ऑयल में बनाती हूँ ना, तो पलटना पड़ता है ज्यादा करके, पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, वरना बहुत तेल डालिए तो पूरी तरीके से टिक्की पक जाएगी, तो
पर ऑलरेडी आलू तो खा ही रहना, तेल डाल के क्या फायदा उतना। आलू तो अवॉइड करने की पूरा ट्राई करते हैं, बहुत ही रेयर लेते हैं, पर वही पराठा वगैरह अगर खाने का मन कर गया तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा बना लेते हैं ज्यादा करके। अब इनको मैं कह रही हूँ कि शार ले लो, अभी मीटिंग बीच में कह रहे हैं कैंसिल हो गया, टाइम है, नहीं उठ रहे हैं, वहीं पे बैठे हुए हैं मोबाइल पे बैठ के काम कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि अगर लकीली मीटिंग ये कैंसिल हो गया तो फटाफट टाइम का उपयोग किया जाए, नहाया जाए, तब भी मैं खाना दूंगी। नहीं, मीटिंग नहीं है, काम नहीं है, तो मोबाइल पे अपना न्यूज़ एक बार, मैं कहती हूँ ना, हस्बैंड अगर न्यूज़ नहीं देखेंगे तो देश कैसे चलेगा। तुम्हारे बारे में बात हो रही है, सुनाई दे रहा है सब, सुनाई दे रहा है ना, पर असर नहीं हो रहा है ना, सुनने से क्या होगा। लीजिए, मैंने कुछ नहीं बोला है, आपने खुद ही बोला है, कह रहे मैं हम लोग थेथर लोग, ये हम लोग, ये हमेशा जब भी मैं इनसे बात करूँ ना, ये हमेशा ऑन बिहाफ ऑफ पूरा पति कम्युनिटी बोलने लग जाते हैं। कोई पति ऐसा नहीं, सब सुबह उठते हैं, नहाते हैं टाइम पे। जाइए, उठिए, उठिए, नहाने जाइए। ये तो धक्का मार रहे हैं। उठिए, चलिए, नहीं चलिए, आइए। हाँ 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 नहीं, मैं क्या हिलूंगी नहीं यहाँ से। अब नहीं, मतलब नहीं जाना है, जाना है, जाइए। मैं देखो खाना जब मेरा टिक्की जल जाएगा। टिक्की? अरे आलू टिक्की, आलू टिक्की जल जाएगा। चलो चलो, सच में जलते जलते बचा है, पता है उनके चक्कर में। चलिए हो गया, 2 मिनट और एक्स्ट्रा रहता ना जल जाता। तो ये मेरा बन गया है, अब मैं बनाऊंगी सब्जी। चले गए ये नहाने के लिए, देखती हूँ। मतलब सोचिए, इतना मुश्किल से, इतना बिजी इनका था डे, उसमें से एक मीटिंग कैंसिल हो गया है, तो इससे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है, फटाफट उसका यूज किया जाए। इतना लेजी होते हैं ना ये लड़के, बैठे रहेंगे, टाइम कहाँ है, छोड़ो। एक तो ये डीओ कंपनी वाले ना, इन लोगों को लगता है डीओ है तो नहाने का क्या है, एक दिन तो मिस हो ही सकता है, गर्मी भी नहीं है, दिक्कत क्या है। तो मेरा मानना है कि फ्रेश लगता है, अपने आप में फ्रेश लगता है, बात ये नहीं है कि आपका शरीर गंदा ही हो, ठीक है बाहर जाने लगे धूल मिट्टी में तो गंदा नहीं है, पर फिर भी फ्रेश लगता है नहा के, नहीं लगता है फ्रेश? मुझे तो लगता है, मैं अगर नहीं नहाऊ ना किसी दिन तो मुझे लगेगा ओह क्या हो गया, और लेजी लगेगा। पर खैर इन लोगों की तो बात ही अलग है, इंसान आपके पहचान में नहीं आ रहा होगा नहा करके, कितना फ्रेश लग रहा है। चेहरा दिखाइए थोड़ा, थोड़ा मुंह दिखाइए, मुंह दिखाई हो रहा है, पहचान पाते हैं? हाँ, बिल्कुल पहचान पाते हैं। हैं? We know our inner self. अरे बाबा, अरे यहाँ तो इतना टेस्टी लग रहा है ना, मुझे वो याद आ गया, आलू टिक्की चाट, उसमें ऐसा ही टिक्की रहता है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट कर रहा है। मतलब मैं इसको अभी ऐसे ही केचप के साथ में खा सकती हूँ, शाम के टाइम पे चाय पे खा सकते हैं, पर नहीं, चार ही है, कंट्रोल करेंगे, ग्रेवी बनाएंगे, नहीं तो पता चला एक मैंने खा लिया, इन्होंने खा लिया, फिर बोला एक एक खा ही लिया है तो एक एक ही बच रहा है वो भी खा लो, और ग्रेवी दाल ऐसे ही खा लेंगे। हो सकता है, विश्वास नहीं है मुझे अपने आप पे, इनमें तो खैर नहीं है। देखिए आराम से फिल्टर चल रहा है, अभी पानी में भर रही हूँ, इधर राइस बनाऊंगी, और चॉपिंग कर लिया है सब्जी के लिए, तो पहले मैं राइस चढ़ा देती हूँ। ग्रीन चिली, अदरक, लहसुन और टमाटर थोड़े बड़े साइज का, क्योंकि मेनली ग्रेवी में जो खट्टास आएगी वो इसी से आएगी, तो चॉपिंग कर लिया है, चलिए इसको बना लेते हैं। अदरक की, क्योंकि मुझे इसे पीस देना है, तो एक बार ये फ्राई हो जाए उसके बाद मैं इसे पीस दूंगी, क्योंकि मुझे डायरेक्टली प्योरे किया हुआ का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो मैं पहले में हल्का सा भून लेती हूँ और फिर उसको पेस्ट में कन्वर्ट कर लूंगी, तभी ये टेक्सचर जो है अच्छा आएगा।
क्या मस्त धूप है, एकदम खुला आसमान। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे शाम में ये धूप आ रही हो ना। और कितना सुंदर क्लाउड लग रहा है, एकदम नीचे आ गया। ये व्हाइट वाला क्लाउड देखिए, ये वाला कितना नीचे लग रहा है, ऐसा लग रहा है इस घर के जस्ट ऊपर है। बहुत सुंदर लग रहा है, और यहाँ पे धूप आ रही है। वाह, चाय बन रहा है। नहीं मैं नहीं बना रही, ये बना रहे। और दोपहर में मैं आराम से आज लेटी हुई थी, कुछ देर नींद में सोचती रह गई कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन मेरा मन इतना बेचैन रहता है ना, मतलब मुझे ना कुछ याद आते रहता है। अभी थोड़ी देर लेटे, अच्छा चलो ठीक है अभी कुछ यूट्यूब पे देख लेते हैं, वो देखा, अच्छा ठीक है थोड़ा ये चेक कर लेते हैं, अच्छा थोड़ा मेल चेक कर लेते हैं, फिर थोड़ा सोने की कोशिश करती हूँ, अच्छा एक कौन बोल गाना रहा सुन लेते है, हैं। कौन क्यों बोल रहा है? क्यों खुद एक्सेप्ट कर रही है, उसको है फोमो, कैसे नहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट तुमको है? है। हाँ कुछ ये देख लेती हूँ, अब मेल चेक कर लेती हूँ कि क्या आया होगा, क्या मिस कर दिया मैंने। क्यों? अच्छा अभी आप सोच रहे होंगे ये बीच में यार क्यों ऐसे, फेसबुक पे ऐसा नया चल रहा है, क्या यूट्यूब पे ऐसा नया चल रहा ये क्यों है, अचानक से आए, उठ के मैं क्या बताती हूँ इंस्टा आपको, पे ऐसा नया चल रहा है। हाँ जी बताइए ये बताइए। क्यों बोल रहे हैं आप? सोच रहे होंगे अचानक से ये से कूद क्यों पड़े, जरूर कुछ ना कुछ पर्सनल मोटिव रहा होगा। मैं बताती हूँ क्या मोटिव है, क्योंकि जी मैं हाँ इनको ताने मारती हूँ कि इनको फोमो है, इसीलिए यस ये मौका देखते देते सो आ गए नाउ आई हैं। एम गिविंग इट बैक। तो ऐसा मत सोचिए कि ये मेरी बुराई कर रही है, अपना डिफेंस में ऐसा बोल रही है। एक्चुअली होता हाँ क्या जी है, बिल्कुल मैं बताती हूँ ये क्या करते हैं। इनको हाथ में मोबाइल चाहिए ही चाहिए, मतलब आप 5 मिनट भी इनको, ऐसा नहीं हो सकता है कि हाथ में कुछ ना हो और बस सीलिंग को ताक रहे हो, दीवार देख रहे हो, नहीं, या बाहर ग्रीनरी नहीं, देख ऐसा रहे हो। बात नहीं है, ऐसा बात बताइए बिल्कुल क्या बात है, नहीं। मैं गलत बात बोल? ये है कि जब मैं ऑफिस का काम करता हूँ, सुबह 8:30 से लेके मान लीजिए 5:30 6 o'clock तक काम, ठीक है मान तब लिया, तो मैं रेयरली मोबाइल छूता हूँ। ठीक है। ठीक है, जब कोई ऑफिस का कॉल आ गया या ऐसे कुछ किसी का क्लैरिफिकेशन है ठीक तभी ही है। तक मैं मोबाइल छूता हूँ, तब तक तो मैं कुछ नहीं छूता। तो उसके बाद शाम को मैं थोड़ा तो देखूंगा ना, थोड़ा नहीं दोस्तों, थोड़ा नहीं ऐसे सोने नहीं है उसको। तक, आंख बंद हाँ होने तक भी, अरे कुछ चेक कर देता हूँ हाँ थोड़ा। कुछ अभी भी कुछ आप भी। सुबह भी आप सुन रहे थे, नहीं इसी व्लॉग में आपके पास में प्रूफ है, अच्छा है याद है जब हाँ ये इनका बीच का मीटिंग कैंसिल हो गया था, तो मैंने क्या बोला शाह ले लो, तो ये क्या कर रहे थे, ये मोबाइल में बैठे थे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, नहीं इनको तो आदत पांच है। दस अच्छा मिनट में सुनिए, क्या हो मैं प्रूफ जाता कर दूंगी, मैं प्रूफ कर दूंगी क्या होता है। आगे यार, तो लो एक साइबर प्रूफ नहीं करके नहीं जाएगी नहीं ना, नहीं थोड़ा नहीं टाइम दो भाई। बता रही हूँ, मैं बता, देखिए क्या होता है, क्यों मैं बोलती हूँ फोमो इनको है, इसीलिए है क्योंकि मान लीजिए कि अभी ये बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, ठीक है, अभी मैं 2 मिनट के लिए पानी लेने के लिए गई हूँ, लाके इनको ही दूंगी या खुद के लिए लेकर आ रही तो मैं हूँ, क्या छत देखूंगी, उससे अच्छा मैं मोबाइल देख उस लेता हूँ। 3 से 4, कितना बड़ा घर है, 3 से 4 मिनट लगता होगा बेडरूम से यहाँ के पानी लेने में, उतने देर में मोबाइल, ठीक है वो भी छोड़िए, अभी तो फिर भी 3 मिनट की बात हो गई, बात हमारी कुछ खत्म हुई हुआ ना, हाँ सही बोल रहे हो, बस मोबाइल चलो पलट के देखो तो मोबाइल हाथ में आ चुके। और अच्छा ठीक है आप बोलेंगे तो क्या करते हैं, नहीं नहीं बेचारे व्हाट्सएप पे चैटिंग नहीं करते किसी के साथ, ये क्या करते, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया, तुरंत ऐप खुलता है, तुरंत रिफ्रेश होता है, ऐप भी थक गया है कि क्या, मनी कंट्रोल ऐप भी ऐसा हैप्पीनेस। बोलता होगा मनी मन में कि भाई साहब क्या नया बता दूं, क्या बता दूं, रिफ्रेश करते रहोगे न्यूज नहीं आने वाला, ये मैं बोल रही हूँ आपको, इनको फोमो, इसलिए उठ के तुरंत आ गए। और ऐसी कोई बात नहीं, मैं क्या आपको बता रही थी कि मेरा तो, मैं कितना प्यारा बात कर रही थी, तुमने बीच में विद्रोही वाला मेरे अंदर में वो इंस्टिंक्ट ला दिया, मैं ये बोल, कंटिन्यू खून खोला देते हैं मेरे से, कंटिन्यू हाँ मोटिव लेके आ जाते हैं पर्सनल अपने ये पति लोग। कूल। मैं ये बोल रही थी, प्यारे से शब्दों में बताती हूँ, कि मैं सोच रही थी कि सो जाऊं थोड़ा देर, कुछ नहीं करने के लिए क्या करूंगी, देखिए मेरा जो बहुत बड़े बड़े असाइनमेंट जो बीच में एक साथ मेरे सर पे आ गए थे वो सब निपट चुके हैं, अभी शायद कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाले हैं, पता नहीं, तो मैं फ्री हूँ, ठीक है, यूट्यूब में भी मैं अपना व्लॉग अब धीरे धीरे कछुए के चाल पे फिर से वापस से आ रही हूँ, बैक टू माई स्पीड बना रही हूँ, तो मेरे को थोड़ा तो रिलैक्स करने का मन करता है, लेकिन मेरा ब्रेन मुझे नहीं करने दे रहा रिलैक्स। और न्यूज तो मैंने आपको बोला मैं देखती नहीं हूँ, तो वो सेक्शन तो हटा दीजिए, लेकिन बाकी चीजें है ना वो मुझे बहुत, अच्छा ये देख लेती हूँ, अच्छा वो देख लेती हूँ, सही बोल रही है, इंस्टाग्राम देख लेती हूँ, वो भी थोड़ा मुझे है चेक करते रहने का, और नहीं भी है कुछ तो ऐसे ही टीवी में रिमोट की इधर उधर घुमा रही हूँ, चैनल देख रही हूँ, मतलब यही है मेरे साथ में आज हुआ है। और 1.5 घंटे बाद मैं खुद से ही इरिटेट हो गई थी कि अरे यार मैं क्या कर रही हूँ, और कुछ देख भी नहीं रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आधा घंटा कुछ देखा, 5 मिनट देखा अरे हटाओ नहीं मजा आ रहा है, 10 मिनट देखा अरे हटाओ नहीं मजा आ रहा है, तब तक इनका काम खत्म हो गया, ये आ गए,
चलिए। अच्छा कुछ लोग पूछ रहे थे कौन सा ब्राउन शुगर लेते हैं आप बिग बास्केट से। हाँ देखिए पैकेट है आज यहाँ पे अमृत अमृत नेचुरल ब्राउन शुगर, ये बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई कलर वलर नहीं है। बिग बास्केट में रेयरली मिलता है, कभी कभी ये अवेलेबल रहता है, पर लोकल शॉप में लोकल मिल जाएगा आपको। बहुत अच्छा है विद 6 वाइटल मिनरल्स जो भी, पर बहुत अच्छा है। जब मिलता है तब हम 3-4 पैकेट ले लेते हैं, ले लेते हैं टू सेफ साइड, क्या पता खत्म हो जाए। नाचो चीज, हाँ एक और एक चीज वाला था, नहीं एक और है हमारे पास, हाँ एक पर्पल कलर का था, हाँ वो वाला भी है, चिली स्वीट चिली है, स्वीट चिली, हाँ करेक्ट शायद स्वीट चिली है। चीयर्स। मेरे मेरा कप कितना सुंदर लग रहा है, अरे थोड़ा अलग टेस्ट कर रहा है, कुछ और भी डाला है क्या? क्या डाला है? लौंग बार्क, ओह दालचीनी डाल दिया इन्होंने, मुझे लगा ही कि अलग टेस्ट आ रहा है, बिल्कुल अच्छा लगा। चलिए आज के लिए इतने रखती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए, और आप सभी को हैप्पी वीकेंड, क्योंकि आप जब ये ब्लॉग देख रहे होंगे उस दिन फ्राइडे होगा, तो आप सभी को हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।